she abaddala kod. That is the reason why this party BJP is called the biggest jute factory of India. The biggest Jumla factory and jute factory of India is Bharatiya Janata Party, and the chancellor of this university, the WhatsApp university which propagates all this nonsense, is Prime Minister Narendra Modi himself. What I found amusing are the white lies of Honorable Prime Minister, clearly fabricated. And you know, I think he should start writing scripts for movies. He'll make a great storyteller and a great story writer. తప్పకుండా మంచి మంచి స్టోరీలు రాయొచ్చు ప్రధానమంత్రి గారు. ఆస్కర్ అవార్డు కూడా వచ్చిన వస్తుంది ఆయన యాక్టింగ్ కి, ఆయన స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ స్కిల్స్ కి. డెఫినెట్ గా ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది. దిస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ సో ఇన్కన్సిస్టెంట్. హీ సేస్ ఆన్ ద వన్ హ్యాండ్ బీఆర్ఎస్ హెస్ ఫండెడ్ కాంగ్రెస్ ఇన్ కర్ణాటక, అండ్ హీ సేస్ దట్ హీ హెస్ నాట్ అలౌడ్ అస్ ఇన్ టు ఎన్డీఏ. హమే కోయి పాగల్ కుత్తా నే కాటా హై క్యా కి ఎన్డీఏ మే హమ్ జాకే షామిల్ హో జాయే. ఆజ్ పూరే కే పూరే పార్టీ ఆప్కో ఎన్డీఏ కో ఛోడ్ కే బాహర్ జా రహే. आपको अगर आप देखेंगे शिवसेना छोड़ के गई, आपको जनता दल यू आपको छोड़ के गई है, तेलुगु देशम आपको छोड़ के गई है, शिरोमणि अकाली दल आपको छोड़ के गई है. साथ है कौन आपके? सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके अलावा है कौन आपके एनडीए में? आज प्राइम मिनिस्टर ये मानते हैं अपने आप को कि वो बहुत क्लीन आदमी है और बाकी पूरा दुनिया करप्ट है. प्राइम मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या हो गया हिमंत बिस्वा शर्मा पे जो केस था? आपके पार्टी में शामिल हो गए, केस गायब. हमारे यहां के जो एमपी हैं सीएम रमेश और सुजना चौधरी, उन पे आरोप लगाए, केस भी लगाए ईडी, सीबीआई, आईटी, क्या हो गया केसों का? नारायण राणे पे केस क्या हो गया? ज्योतिरादित्य पे, सिंधिया पे जो केस थे आपके साथ शामिल होने के बाद क्या हो गया? और आप जब बात करते हो प्राइम मिनिस्टर साहब कि फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है कौन अनुराग ठाकुर? धुमाल के बेटे नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराव जी के बेटे नहीं है क्या? है कौन जय शाह? कोई क्रिकेटर है? कोई बहुत बड़े कोच है? कौन है जय शाह? क्या आपने उनको बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? आप जब बात करते हो प्रधानमंत्री जी, सोच के संभल के करना, क्योंकि केसीआर फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते. केसीआर जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे लीडरों के साथ, आप जैसे पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे. हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम कोई दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम गुजरात के गुलाम नहीं है, दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आज तेलंगाना में दो बार चुने गए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी है. अगर आपको लगता है कि आपके डराने से, आपके चिल्लाने से, आपका गला फाड़ फाड़ के बोलने से लोग यहां पे बहक जाएंगे और एक बहकावे में आएंगे, तो आपकी नादानी है. और एक बात भी मैं कहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनके पास जाके परमिशन लिया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना था. मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमारी पार्टी की कोई फैसला अगर लेना है तो हमारे पार्टी के विधायक लेंगे, हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो लेंगी. आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की क्या नौबत आ पड़ी है हमें? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या बीजेपी क्या मानती है, क्या किसको देखना चाहती है. यहां पर तेलंगाना जनता आज केसीआर जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चुनने के लिए तैयार है. आप कितना भी गला फाड़ ले, कितना कुछ भी बोल लें और कितने भी झूठ बोल लें, जितने भी सफेद झूठ आप बोलें, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. और मैं आज चैलेंज करता हूं बीजेपी को, पिछली बार जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में 2018 में, आपके 105 विधानसभा के कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई थी. मैं चैलेंज करता हूं, अगर दम है बीजेपी में, नड्डा में, अमित शाह में, नरेंद्र मोदी में और जितने भी और लीडर हैं, आइए. टूरिस्ट सर वेलकम टू तेलंगाना, हमें कोई इतराज नहीं. आप आइए, गला फाड़ फाड़ के बोलिए, तेलंगाना जनता को समझाइए कि किया क्या आपने तेलंगाना के लिए पिछले 9 साल में, और कोई अगर वोट देना भी चाहे तो क्यों दें आपको? आप, मैं चैलेंज करता हूं, पिछली बार 105 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इस बार 110 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, और इस बार आपको एक भी एमपी आपको तेलंगाना से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतने झूठ बोल चुके हो, इतने कारनामे कर चुके हो. और सबसे अहम बात ये पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर, आप ये मानते हो अपने आप को कि आप बहुत ही साफ इंसान हो, बहुत ही करप्ट, क्या बोलते हैं उनको, क्लीन इंसान हो, तो आप क्यों मुखर गए?